हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर है, जहां चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को कई दिग्गज मैदान में उतरेंगे। जिले में एक दिन में दो सीएम, एक पूर्व सीएम और एक पूर्व डिप्टी सीएम प्रचार करेंगे। भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत शहरी और समालखा की बपौली में रैली संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मंगलवार को पानीपत ग्रामीण वेस्ट क्षेत्र में रोड शो करेंगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समालखा अनाज मंडी में रैली को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी प्रदेश सचिव एवं पानीपत ग्रामीण प्रत्याशी शुभवीर सिंह मलिक ने बताया है कि 1 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना पानीपत ग्रामीण विधानसभा में रोड शो करेंगी। वे सुबह 11 बजे वर्मा चौक से कुटानी रोड की पुलिया तक पैदल रोड शो करेंगी। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने बताया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1 अक्टूबर को यानी कि आज पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र की पुरानी सब्जी मंडी में रैली को संबोधित करेंगे। वह यहां सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। वह इसके बाद समालखा विधानसभा क्षेत्र की बपौली अनाज मंडी में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की समालखा अनाज मंडी में रैली होगी। कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोक्कर ने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अनाज मंडी समालखा में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार के अंतिम दिनों में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दूर रैलियां भी तय हो गई हैं। विजय संकल्प यात्रा के लिए निकले राहुल गांधी मंगलवार को बहादुरगढ़ से रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं सुबह से शाम तक राहुल गांधी दो जिलों की 5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। इसके पूरी बेल्ट को कांग्रेस को गढ़ माना जाता है। बहादुरगढ़, खरखौदा, सोनीपत और गोहाना में कांग्रेस के विधायक हैं। केवल गन्नौर सीट भाजपा के पास है। पार्टी की रणनीति के तहत जहां जहां पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियां हो चुकी हैं, वहां पर राहुल गांधी बड़ी जनसभाएं करके पलटवार कर रहे हैं। मंगलवार शाम राहुल गोहाना में रैली को संबोधित करेंगे। यहां पर पीएम मोदी पहले ही भाजपा के समर्थन में रैली कर चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत संभल कर चल रही है। पहले पार्टी ने पहले टिकटों में कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि भाजपा की टिकट जारी होने के बाद अंतिम क्षणों तक टिकट आवंटन किया है। इसका फायदा ये हुआ है कि बागी दूसरे दलों में नहीं जा सकते हैं। प्रचार को लेकर भी कांग्रेस हाईकमान भाजपा की रैलियों पर नजर बनाए हुए हैं। सोमवार को राहुल और प्रियंका गांधी पूरा दिन हरियाणा में रहे। नारायणगढ़ से लेकर थानेसर तक रोड शो किया। शाम को थानेसर में राहुल और प्रियंका ने रैली को संबोधित किया। मोदी ने सबसे पहले कुरुक्षेत्र में रैली करके प्रचार अभियान का आगाज किया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि विनेश फोगाट के समर्थन में प्रियंका गांधी 1 अक्टूबर यानी कि आज की दोपहर को जुलाना की नई अनाज मंडी में रैली को संबोधित करेंगी। प्रियंका सुबह 11:30 बजे के आसपास दिल्ली से रवाना होंगी और 12:10 पर जुलाना पहुंचेंगी। 12:15 से 1:15 तक रैली में रहेंगी। इसके बाद वो वानीखेड़ा की नई अनाज मंडी में प्रदीप नरवाल के समर्थन में रैली को संबोधित करने पहुंचेंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी 2 अक्टूबर को प्रदेश में 2 रैलियां होंगी। सबसे पहले दोपहर में वो चरखी दादरी जिले के बाड़ा की अनाज मंडी में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो शाम 4:30 के आसपास हांसी पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शेड्यूल भी जारी किया है। मंगलवार को हुड्डा राहुल गांधी की यात्रा के साथ न होकर अलग अलग क्षेत्रों में दौरे पर रहेंगे। हुड्डा सबसे पहले आदमपुर की अनाज मंडी में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह समालखा, कुंजपुरा, करनाल, पुन्हाना, मेवात में रैली को संबोधित करेंगे। इनके अलावा पलवल शहर और गाँव में रोड शो भी करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।